भारी सीमेंट सड़कों पर खून खराबे पर सरकार की चुप्पी से भड़की आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की लगा डाली लंका। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने शनिवार को जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हो रहे खून के स्नान पर सरकार की चुप्पी पर गहरी चिंता व्यक्त की, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 85,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसके नेताओं मुदस्सर हसन, नासिर अली खान और हकीम रहू अल्लाह गाजी ने संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के मध्य कश्मीर के उपाध्यक्ष और प्रसिद्ध सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता नासिर अली खान ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन दुर्भाग्य से एक के बाद एक सरकारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और सड़कों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कों पर रक्तपात हुआ। दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आधिकारिक आंकड़े साझा करते हुए खान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दुर्घटनाओं में 10,000 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 85,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, और जम्मू कश्मीर में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की वर्तमान संख्या लगभग 750 है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और कोई विश्वास नहीं कर सकता कि पिछले 10 वर्षों में हमने सड़क दुर्घटनाओं में 10,000 से अधिक निर्दोष और बहुमूल्य मानव जीवन खोया है। नासिर अली खान ने सड़क सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न राजनीतिक दलों की क्रमिक सरकारों ने दुर्भाग्य से इस उभरते मुद्दे पर कोई ध्यान नहीं दिया और बल्कि सार्वजनिक परिवहन के बजाय अपने स्वयं के परिवहन को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।